नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का फीफा जाइंट में। और दोस्तों, मेरा इस चैनल को खोलने का केवल एक ही मकसद है, मैं इंडियन फुटबॉल को प्रमोट करना चाहता हूं, इंडियन फुटबॉल के लिए एक फ़ैन बेस तैयार करना चाहता हूं। इसलिए अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इंडियन फुटबॉल से रिलेटेड सारी अपडेट आपको इस चैनल पर देता रहता हूं। जी हाँ दोस्तों, कतर फुटबॉल ऑर्गेनाइजेशन ने फिर से अपनी औकात दिखा दी है, फिर से बता दिया है कि कुत्ते की दुम को कितना भी सीधा करने की कोशिश कर लो, वो हमेशा टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। दोस्तों, हम सबको बचपन से बताया गया है कि किस प्रकार से हमें अपने गेस्ट का सम्मान करना चाहिए, उनकी सभी ज़रूरत को पूरा करना ही हमारा सबसे पहला धर्म, सबसे पहला कर्तव्य है। ठीक है, हमें बचपन से पढ़ाया गया है अतिथि देवो भव, लेकिन पता नहीं दोस्तों इन कतरियों को क्या पढ़ाया गया है, क्या सिखाया गया है। बायो बबल में तो दोस्तों ISL और IPL भी हुआ था, लेकिन जिस प्रकार की बद इंतजामी, जिस प्रकार के अरेंजमेंट कतर फुटबॉल ऑर्गेनाइजेशन ने हमारी नेशनल टीम, इंडिया की नेशनल टीम के लिए की है, उसको सुनकर आप में से बहुत सारे लोगों का खून खौल जाएगा। दोस्तों, परसों ही हमारे कोच इगोर स्टिमैच ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, जिसमें उन्होंने बताया कि ना तो उनके लिए एक सेफ प्रोवाइड कराया गया है जो कि उनकी के हिसाब से उनको खाना बनाकर दे सके, और उनको खाना भी खाना होता है तो बाहर से ऑर्डर करते हैं। दोस्तों, ये किस प्रकार के अरेंजमेंट है। दोस्तों, ना ही उनके लिए कोई जिम प्रोवाइड करवाई गई है, उनको एक्सरसाइज भी करनी होती है सुबह शाम, तो वो अपने रूम से बाहर निकलते हैं, हॉल में खड़े होकर एक्सरसाइज करते हैं। दोस्तों, ना ही उनके लिए कोई अच्छा ट्रेनिंग ग्राउंड प्रोवाइड करा गया है जहां वो प्रैक्टिस कर सकें, ठीक है, अपने मैच के लिए तैयार हो सकें। ठीक है, यहां तक कि दोस्तों एक मीटिंग रूम तक नहीं उनको प्रोवाइड करवाया गया है, जहां पर पूरी टीम इकट्ठा होकर मीटिंग कर सके, स्ट्रेटेजी क्रिप बना सके, प्लान बना सके अपने मैचेस के लिए। दोस्तों, ये किस प्रकार के अरेंजमेंट है। मुझे तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया था ये सुनकर। क्या एक प्रोफेशनल लेवल टीम के साथ इस प्रकार का बिहेव किया जाता है? क्या दोस्तों फीफा लेवल मैचेस में इस प्रकार की अरेंजमेंट की जाती है? क्या हमारी इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम को इतना भी हक नहीं है कि उनको एक सेफ मिल सके, एक अच्छा ट्रेनिंग ग्राउंड मिल सके जहां वो प्रैक्टिस कर सके, एक जिम मिल सके और एक मीटिंग रूम मिल सके? दोस्तों, ये किस प्रकार के अरेंजमेंट है। दोस्तों, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती हैं, ठीक है, ये मेंटली बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती हैं। 3 जून को जब हम कतर के साथ खेलने होंगे तो हम मेंटली उनसे वीक होंगे। दोस्तों, उनके प्लेयर्स हमसे अच्छे हैं, उनके स्किल्स हमसे अच्छी हैं, उनको हमसे अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करवा जाती हैं। अगर हम मेंटली भी उनसे वीक होंगे तो हम अपनी टीम से कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि वो हमें मैच जिता कर दे देगी। दोस्तों, सबसे दुख की बात तो ये है कि AIFF ऑल इंडियन फुटबॉल फेडरेशन ने अब तक इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की है, ना ही फीफा से शिकायत की है। दोस्तों, सच कहूँ तो हमको BCCI से सीखना चाहिए कैसे अपने एक एक प्लेयर का ख्याल रखा जाता है, यहाँ तो हम अपनी पूरी टीम, पूरे स्टाफ का ख्याल नहीं रख पा रहे हैं। दोस्तों, ये कतरी इतने बड़े हराम खोर हैं कि ये अपने सिटीजन्स को ना तो इंजीनियर बना सकते हैं, ना डॉक्टर बना सकते हैं, यहाँ तक कि फुटबॉलर तक नहीं बना सकते। इनको ये डॉक्टर भी चाहिए होते हैं तो दूसरे देश से मंगवाते हैं, इंजीनियर चाहिए होते हैं तो दूसरे देशों से मंगवाते हैं, फुटबॉलर चाहिए होते हैं तो अफ्रीका, ब्राज़ील, अर्जेंटीना जाते हैं, वहाँ से फिर लेके आते हैं, फिर अपने देश की उनको सिटीजनशिप दे देते हैं और फिर दुनिया को ऐसे दिखाते हैं कि जैसे कितने प्रोफेशनल हैं, प्रोफेशनल देश है ये, ठीक है। दोस्तों, यहाँ तक कि इनको जो पैसा मिला हुआ है ना, ये भी भीख में मिला हुआ है, भगवान ने इनको भीख में पेट्रोल दिया हुआ है जिसको बेक बेक के ये पैसा कमा रहे हैं। दोस्तों, लेकिन मैं आपको एक बात वादा करता हूँ आज कि एक दिन ज़रूर ऐसा आएगा जब इनके पेट्रोल में हमारे देश की फुटबॉल टीम ज़रूर आग लगाएगी। आपका इन कतरियों के बारे में क्या ख्याल है कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।